हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर। आज मैं आपको आसवन किसे कहते हैं या जिसे इंग्लिश में डिस्टिलेशन कहते हैं, तो हम इसके बारे में आज इस वीडियो में फ्रेंड्स समझने वाले हैं। और मैं आपको इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा कि जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का टॉपिक। आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी द्रव को गर्म कर या ऊष्मा देकर उसे वाष्प के रूप में बदला जाता है, तो उसे ही आसवन या इंग्लिश में डिस्टिलेशन कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस टॉपिक को एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। देखिए, हमारे पास जल है, तो उस जल से हमें क्या करना है, वेपर बनाना है। तो हम क्या करते हैं, उसे हीट देते हैं या गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होती है, वेपर प्राप्त होती है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स, जो डिस्टिलरी होती है उसी में जो आसवन या डिस्टिलेशन की प्रोसेस है सेम यही होती है। उसमें क्या करते हैं कि जो लिक्विड होता है उसे हीट देकर या गर्म कर कर वाष्प के रूप में बदला जाता है, तो यही प्रोसेस फ्रेंड डिस्टिलेशन कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, यह जो डिस्टिलेशन की प्रोसेस है इसका उपयोग एल्कोहल बनाने में, रेक्टिफायर स्पिरिट बनाने में और एम्प्योर स्पिरिट बनाने में किया जाता है। और यह जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, यह डिस्लरी में की जाती है। और जो डिस्लरी होती है फ्रेंड्स, यह डिस्लरी हर एक शुगर फैक्ट्री में प्रेजेंट होती है फ्रेंड, क्योंकि मोलेसिस से ही फ्रेंड्स एल्कोहल और रेक्टिफायर स्पिरिट और एम्प्योर स्पिरिट प्राप्त होता है, जो कि जो मोलेसिस होता है फ्रेंड्स, वह मोलेसिस इस गन्ने से प्राप्त होता है। इसलिए यह जो डिस्लरी होती है यह फ्रेंड्स शुगर फैक्ट्री में होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज आपको आसवन के बारे में बताया कि आसवन या डिस्टिलेशन क्या होता है और डिस्टिलरी के बारे में भी बताया। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल शिक्षा महासागर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके मन में इस टॉपिक से संबंधित या केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको इस टॉपिक के नोट चाहिए तो आप हमारे शिक्षा महासागर टेलीग्राम